चलो बच्चों, क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की इस क्लास में हम लोग कॉनिक सेक्शन का क्लास 11 एनसीईआरटी बुक में पहला एक्सरसाइज जो दिया गया है वो सर्कल से स्टार्ट किया गया है। ठीक है, तो हम लोग सर्कल से स्टार्ट करेंगे। एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट से बताऊंगा, वीडियो के स्टार्टिंग से लेके एंड तक बने रहिएगा, जिससे आप लोग का कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आइए। व्हाइट बोर्ड आप लोग को दिख रहा होगा और जैसा कि मैंने बताया सर्कल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात, ये सर्कल है क्या, होता क्या है? तो क्लास 10th में आप लोगों ने सर्कल के बारे में कुछ ना कुछ पढ़ा ही होगा। ठीक है, जो बच्चे नहीं भी पढ़े हैं, ठीक है, जिनको सर्कल से डर भी लगता है, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ये वीडियो आप ही के लिए है। ठीक है, चलिए। अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे सर्कल ड्रॉ करना है तो किन किन चीजों की जरूरत होगी आपको, ठीक है, तो पहला देखो, कोई कोई बोलते हैं ना कि सर्कल जो है ना कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट है, वो क्यों बोलते हैं, उसका भी रीजन मैं बताता हूँ आपको। एक्चुअली आपको पहला जो जरूरत पड़ेगी सर्कल ड्रॉ करने के लिए, एक तो आपको पड़ेगी फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है, दूसरा जो है वो आपको वेरिएबल पॉइंट की जरूरत पड़ेगी, और एक जो है डेट इज कॉन्स्टेंट टर्म। ये कॉन्स्टेंट टर्म है क्या, इसको भी फिक्स ही बोलेंगे, ठीक है, बट है क्या वो बताता हूं मैं आपको। चलिए, अब मैं यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, एक मैंने फिक्स पॉइंट ले लिया यहाँ पे, ये पॉइंट फिक्स है। ठीक, अब मैंने क्या करा, एक लाइन खींचा, ड्रॉ कर लिया एक लाइन इस फिक्स पॉइंट से। इस फिक्स पॉइंट का नाम देता हूँ ए कोमा बी, ठीक है, और इसको ए नाम दे दिया। ठीक है, अब मैंने एक लाइन ड्रॉ कर लिया, अब यहाँ पे एक पॉइंट ड्रॉ करा, ठीक है, इस पॉइंट को बोल दिया मैंने वेरिएबल पॉइंट। ठीक है, अगर मैं बोलूं आपसे, देखो फिक्स मतलब मूव नहीं होना, वहां फिक्स हो गया, ये वेरिएबल मतलब वेरी कर सकता है, तो अगर मैं बोलूं इस पॉइंट को अगर मैं मूव कराऊं तो ये कैसे मूव करेगा, इस तरीके से मूव करेगा, ठीक है, इस तरीके से मूव करा। ठीक है, ये जो इसका नाम दे दिया मैंने पी, ठीक है, और एक्स कॉमा वाई से रिप्रेजेंट कर दिया। अब जरा ध्यान से देखना, ये जो हमने लाइन ड्रॉ करा था ना, ये कांस्टेंट रहेगा, क्या रहेगा, कांस्टेंट, उसका नाम देता हूं मैं आर। अब तुम बोलोगे सर कैसे आपको पता चला ये कांस्टेंट है, तो भैया ये जो पॉइंट मूव कर रहा था, तो कहीं पर भी इस पॉइंट को लेकर के जाओ, यहां लेके गए, अब यहां से ये लाइन तो फिक्स पॉइंट की तरफ ड्रॉ करोगे ना, तो अगर ये आर रेडियस है तो ये भी आर ही होगा, कहीं से भी तुम कर लो, यहां से भी अगर आप तुम यहां से यहां ड्रॉ करते हो ना, ये भी आर ही होगा, यहां से अगर यहां भी ड्रॉ करते हो तो ये भी आर ही होगा, मतलब ये चेंज नहीं कर रहा, इसलिए इसको बोलते हैं कॉन्स्टेंट। ठीक है, अब इनका नामकरण करते हैं। नामकरण कैसे सर, ये जो फिक्स पॉइंट है ना, ये जो फिक्स पॉइंट है इसको बोलेंगे सेंटर, क्या बोलेंगे, सेंटर। ठीक है, ये जो वेरिएबल पॉइंट है ना, वेरिएबल पॉइंट, इसका नाम तो वेरिएबल पॉइंट ही रहने देते हैं, ये कॉन्स्टेंट वाले टर्म को देते हैं रेडियस। ठीक है, इसका एक्स कोमा वाई। ठीक, अब जरूरत पड़ेगी आपको क्या, इक्वेशन ऑफ सर्कल। ये तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि सर एक फिक्स पॉइंट था, फिक्स पॉइंट से लाइन ड्रॉ करा मैंने, वहां पे जो पॉइंट था डेट इज वेरिएबल, उस पॉइंट को अगर मैं मूव करूंगा, वेरिएबल इसलिए मूव करो, अगर इस पॉइंट को मैं मूव करूंगा तो एक सर्कल हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो जो सर लाइन ड्रॉ करा था ना वो कांस्टेंट रहेगा, जिसका नाम है रेडियस, तो ये कांस्टेंट इसलिए रहेगा क्योंकि सर ये पॉइंट पी है ना, कहीं से भी इस सर्कल के कहीं से भी इस पॉइंट को मैं कांस्टेंट मतलब इस पॉइंट से मैं फिक्स पॉइंट तक आऊंगा तो आर रेडियस ही मुझे मिलेगा। ठीक है, चलिए अब इक्वेशन ऑफ सर्कल देखते हैं हम। देखिए इसका नाम है लाइक फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ सर्कल बोल लो, या कोई कोई इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल भी बोलते हैं, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल भी बोलते हैं। ठीक है, तो मैं एक एक्स एक्सिस ले लेता हूं, एक वाई एक्सिस ले लिया मैंने,
ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि ये पॉइंट मैंने फिक्स पॉइंट लिया, अब इससे मुझे सर्कल ड्रॉ करना है। ठीक है भैया, वही चीजें मैं बोलूंगा, एक लाइन ड्रॉ कीजिए, ये पॉइंट वेरिएबल पॉइंट है, इसको मूव कराएंगे तो यहाँ पे सर्कल मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका नामकरण करा था हमने क्या, ए कोमा बी, और इसको बोला था एक्स कोमा वाई। ठीक है, जो हमारा फिक्स पॉइंट है उसको सेंटर बोलते हैं, और इस इसके बीच का जो डिस्टेंस दैट इज आर। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं कि दो पॉइंट दिया गया है और डिस्टेंस फॉर्मूला अगर मैं हम लोग यहाँ पे लगाते हैं, इसका नाम ए दे दो, इसका नाम पी दे दो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ क्या, ये इक्वल टू आर, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब पी ए दो पॉइंट है, यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला अगर हम लोग लगाते हैं तो क्या होता था, बचपन में आप लोगों ने पढ़ा था अंडर रूट ए माइनस ए का होल स्क्वायर, मतलब एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस, देखो ना यार नाम दे दो ना, एक्स वन वाई वन, एक्स टू वाई टू, तो एक्स एक्स टू माइनस सॉरी एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे दे देंगे वाई माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू आर। ठीक, अब आपको पता है कि स्क्वायरिंग बोथ साइड अगर हम लोग करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड अगर हम लोग करेंगे तो ये रूट गायब हो जाएगा, तो एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, यही जो आपको मिला है इसी को बोलते हैं फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ सर्कल या स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब ये इक्वेशन ऑफ सर्कल तो आपको मिल गया, अब इसको देखते साथ आपको बताना है कि सेंटर क्या होना चाहिए। तो ये इक्वेशन जैसे ही आपको मिला तो देखते साथ आपको बताना पड़ेगा कि सेंटर क्या है, तो सेंटर आप बोलोगे यहाँ पे ए कॉमा बी है। ठीक है, और रेडियस तो आपको दिख ही रहा है, अगर कोई आपसे पूछ दे रेडियस क्या है तो रेडियस आर है, क्लियरली। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये उठता है कि अगर अगर इन केस मैंने सर्कल को सेंटर मतलब कि यहां पे रख दिया, अब क्या होगा, इफ द सेंटर ऑफ द सर्कल इज एट ओरिजिन, मतलब ये जो फिक्स पॉइंट है अब ये ओरिजिन पे है। ठीक है, जो फिक्स पॉइंट मतलब सेंटर, ये सेंटर पहले यहां था, अब इसको मैं उठा के यहां ले आया। ठीक है, और ये जो मैंने लाइन ड्रॉ करा ये वेरिएबल पॉइंट है, इससे मैंने सर्कल ड्रॉ कर लिया, इस समय जो सेंटर है वो ओरिजिन पे है। ठीक है, तो सेंटर अगर ओरिजिन पे है तो वहां पे 0,0 होगा, क्योंकि ये क्या होता है 0,0। ठीक है, तो उस समय इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगा, तो सिंपल है सर, अभी आपने सेंटर बताया ए कॉमा बी होता है। ठीक है, ये ए कॉमा बी है, तो मेरा ए भी 0 है और बी भी 0 है, तो सर सिंपली हम यहाँ पे पुट कर देंगे, क्या पुट करेंगे, एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, तो आपको क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। जब भी आपको ऐसा इक्वेशन देखने को मिले तो समझ जाना सर्कल कहाँ पे ड्रॉ है, सर्कल ओरिजिन पे है, सर्कल इज एट ऑन द ओरिजिन। आया समझ में? ठीक है, तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट है ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल जब भी आप लिखोगे, मैं आपको बता देता हूँ, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या है, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये इक्वेशन का अगर कोई आपसे पूछे कि सेंटर क्या है भाई साहब, तो सेंटर है मेरा ए कोमा बी, और रेडियस क्या है भाई साहब, तो रेडियस मेरा है आर। ठीक है, अगर फिर आपसे पूछ दे कि अगर इस सर्कल जो सर्कल है वो ओरिजिन पे है, अभी बताया मैंने आपको ओरिजिन पे है, तो ओरिजिन पे मेरा सेंटर क्या हो जाएगा, 0,0, सेंटर क्या हो जाएगा 0,0। तो सिंपली करना है कि आपको ये जो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल है उसमें ए भी 0 और बी भी 0 पुट कर देना है, क्योंकि भैया सेंटर मेरा ओरिजिन पे है और ओरिजिन पे क्या होता है 0,0, तो बस जैसे 0 यहाँ पुट करोगे तो एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, तो क्या मिल गया आपको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये इक्वेशन तभी मिलेगा आपको जब सेंटर ऑफ द सर्कल इज एट ओरिजिन। ठीक है, मैंने एक बार और इसलिए एक्सप्लेन कर दिया क्योंकि न्यू थिंग है।
नया चीज है, ठीक है। चलो इसके बाद आगे आगे चलते हम लोग, दैट इज जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, अब देखिए जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल मिलेगा कहां से, हर एक चीज आपको इसी स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल पहले लिख लो, वहीं से मिलना है। x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। देखिए हालांकि आपके एग्जामिनेशन में कभी ये नहीं बोलेगा कि जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल का फॉर्मूला ड्राइव करके बताओ, बट मैं इसलिए बता दे रहा हूं कि अगर देखो आप लोगों ने क्लास 11th में आ गए, अगर कोई आपसे पूछ दे कहां से आया ये, तो बोलोगे सर ये तो मेरे सर टीचर ने बताया नहीं है। और जब भी किसी का प्रूफ सीखोगे ना तो आपको नॉलेज गेन ही होगा, नुकसान नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर मैं करता हूं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ठीक है, इक्वल्स टू आर स्क्वायर। अब क्या करना है, स्क्वायर वाले टर्म को एक साथ लिख लो, मतलब वेरिएबल वाला जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, एक तरफ लिख लिया, फिर माइनस टू ए एक्स लिख लिया, फिर माइनस टू बी वाई लिख लिया, मतलब ये वाला टर्म और ये वाला टर्म लिख लिया। अब सभी कॉन्स्टेंट टर्म को एक तरफ लिखेंगे, ए स्क्वायर मेरा कॉन्स्टेंट टर्म है प्लस बी स्क्वायर कॉन्स्टेंट टर्म है, ठीक है, आर भी मेरा है तो इधर ले आएंगे, आर स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो देखिए ध्यान से, ये जो मेरा पार्ट है ये सभी कॉन्स्टेंट टर्म्स है, तो इसको लेट कर लिया मैंने सी, ठीक है, इसको क्या लेट कर लिया सी। और फिर हमने क्या करा, हमें पुट करना है, पुट क्या करना है आपको, माइनस ए इक्वल टू जी एंड माइनस बी इक्वल टू एफ। अब तुम बोलोगे कि सर आपको सपना आया क्या कि आपने माइनस ए इक्वल टू जी पुट कर दिया और माइनस बी इक्वल टू एफ पुट कर दिया। एक्चुअली में जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल जो फॉर्मूला निकलेगा वो डायरेक्टली आपके बुक में गिवन दिया हुआ है, ठीक है, तो मुझे वो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल तक पहुंचने के लिए ये मानना ही पड़ेगा। आया समझ में, ठीक है। अगर हमने मान लिया तो क्या चेंजेस आएंगे यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में कोई चेंजेस नहीं आएगा, माइनस टू, अब देखो ए है ना तो माइनस ए इक्वल टू जी है, तो ए इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, माइनस जी तो लिख ही सकते हैं, तो ये माइनस जी लिखेंगे हम लोग एक्स, ठीक है, माइनस टू बी को क्या लिख सकते हैं, माइनस एफ, माइनस एफ, ठीक है, वाई प्लस ये लिख देते हैं सी क्योंकि हमने लेट कर लिया है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अब देखो ये माइनस, ये इसको प्लस बना देगा तो क्या आ जाएगा, प्लस टू जी एक्स, फिर ये माइनस क्या बना देगा, उसको प्लस बना देगा, प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। आगे समझ में, तो ये जो आपको मिला है ना इसी को बोलते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है। अब बोलोगे सर पिछले बार जो आपने स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल बताया था तो उसमें सेंटर और रेडियस भी बताया था, तो सर इस इक्वेशन से हम सेंटर और रेडियस कैसे फाइंड आउट करेंगे, चलिए बताते हैं इसको भी। तो देखिए सबसे पहले रेडियस बताते हैं, आपने क्या लेट करा था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर को आपने क्या लेट करा था, सी, मुझे आर चाहिए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये इधर ले आएंगे, माइनस सी इक्वल्स टू आर स्क्वायर, आर को उधर लेके गए तो नेगेटिव था पॉजिटिव हो गया, तो आपको पता है कि स्क्वायर जब इक्वल्स टू उधर जाता है तो रूट में बदल जाता है, तो लिख लीजिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी इक्वल्स टू आर, ठीक है। लेकिन मुझे ए बी सी के टर्म में नहीं चाहिए क्योंकि हमने लेट कर रखा है, तो ए को क्या लेट करा है, तो माइनस ए इक्वल्स टू जी है तो ए की जगह माइनस जी लिख सकते हैं ना, ठीक है, तो माइनस जी का होल स्क्वायर प्लस बी को क्या लिख सकते हैं, माइनस एफ का होल स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू आर, तो माइनस जी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस जी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, जी स्क्वायर ही तो होगा क्योंकि इवेंट टर्म है, माइनस साइन हट जाता है, ठीक है, तो एक सेकेंड मिस्टेक हो गया, हाँ ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंडर रूट क्या हो जाएगा यहाँ पे, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इक्वल्स टू आर, ठीक है। चलिए ये हम लोगों ने रेडियस फाइंड आउट कर लिया, ठीक है, अब रेडियस फाइंड आउट कर लिया तो फिर सर सेंटर क्या होगा, चलिए सेंटर भी यहीं पे बता देता हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है। सेंटर जो है
वो हो जाएगा हमारा। अगर मैं आपको यहाँ से बोलूं, यहाँ पे ये जो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल था, तो सेंटर हमारा क्या हो रहा था, ए कोमा बी, ठीक है। तो ए क्या है जी, ए क्या है, माइनस जी ना, माइनस जी। बी क्या है, माइनस एफ, तो माइनस एफ। तो ये सेंटर हो गया, ये रेडियस हो गया, ठीक, क्लियर है। अब देखिए, ये जो आपका जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी जो है, ये कितना इंपॉर्टेंट है, यही आपको बताएगा कि जो सर्कल है वो रियल भी है या नहीं है, ठीक है, वो सर्कल इमेजनरी आ रहा है या नहीं आ रहा है, मतलब ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए कैसे होता है, जैसे मान लो हमने बोला आपको कि जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, इसका वैल्यू अगर 0 से ज्यादा आया तो आप बोल देना जो सर्कल आपका बना है वो रियल, सर्कल इज रियल, फर्स्ट केस। सेकेंड केस, अगर आपका जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इक्वल्स टू 0 आ गया, मतलब पूरा 0 आ गया, तो भैया जब ये पूरा 0 आ गया तो रेडियस क्या होगा, 0, क्योंकि कैसे रेडियस 0 होगा, क्वेश्चन दिमाग में आ रहा होगा, अरे भैया आर इक्वल टू अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, अगर यही 0 हो गया तो रेडियस तो 0 हो जाएगा ना, ठीक है। तो क्या बोलोगे यहाँ पे, अगर यही 0 हो गया तो सर्कल सर्कल अ सर्कल ऑफ रेडियस 0, अ सर्कल ऑफ रेडियस 0। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये सर्कल जो है वो रियल होगा या इमेजिनरी। देखिए जब तक अंडर रूट के अंदर माइनस नहीं आ जाता है, जैसे -5 आ गया, तो यहां से इमेजिनरी वाला पार्ट स्टार्ट होता है, आया समझ में, क्योंकि आप लोग जब कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ोगे तो वहां पे बताया जाता है कि अंडर रूट -1 का वैल्यू होता है आयोटा, और यहीं से स्टार्ट होता है इमेजिनरी वाली चीजें, ठीक है। तो जब तक अंडर रूट के अंदर माइनस नहीं आ जाता है, तब तक इमेजिनरी वाला पार्ट स्टार्ट नहीं होगा। अगर अंडर रूट के अंदर माइनस आ जाता है तो इमेजिनरी वाला पार्ट स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो देखिए अब हमारा 3, अगर जी स्क्वायर, कंडीशन 3, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, अगर वो लेस देन 0 है, मतलब नेगेटिव में है, अभी बता रहे थे नेगेटिव में, मतलब आपका ये, इसका वैल्यू अगर मान लो फॉर 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 इन एग्जाम्पल, अगर इसका वैल्यू आ रहा है -6, ठीक है, तो ये 0 से कम है भैया, -6 से 0 से कम है ना, तो -6 ये किस में था, अंडर रूट में है। जब भी हम लोग रेडियस लिखते हैं, जब रेडियस लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, अगर आर इक्वल टू अंडर रूट -6 आया तो भैया अभी तुमको क्या बोले थे कि वो इमेजिनरी वाला पार्ट स्टार्ट हो जाता है, तो यहाँ पे बोलेंगे इट विल बी एन इमेजिनरी सर्कल, इट विल एन इमेजिनरी सर्कल, ठीक है। एंड इट इज नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ सच अ सर्कल, एंड इट इज नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ सच अ सर्कल, आप लिख देना ये स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये कितना इंपॉर्टेंट है, आपको बता भी रहा है कि कौन सा इक्वेशन आपको सर्कल ड्रॉ करवाएगा और कौन सा इक्वेशन से आप सर्कल ड्रॉ नहीं कर सकते हो, ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग आते हैं कुछ क्वेश्चन, एनसीईआरटी के क्वेश्चन लेते हैं और उसको थोड़ा सा जितना भी कॉन्सेप्ट बताया उस पर अप्लाई करना सिखाते हैं आपको, ठीक है। तो एकदम पहला ही क्वेश्चन लेता हूं मैं, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा था इक्वेशन ऑफ अ सर्कल एंड आपको बोल रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, इक्वेशन ऑफ द सर्कल एंड सेंटर फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है 0,2 एंड एंड रेडियस 2, मतलब देखो क्या क्या गिवन दे रखा है, पहले फाइंड देख लीजिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल बोल रहा है निकालने के लिए, आपको सेंटर दे रखा है और रेडियस दे रखा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से मैं क्या बोलने जा रहा हूँ, एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन है ये, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, ठीक है, आपको क्या गिवन दे रखा है, सेंटर दे रखा है और रेडियस दे रखा है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल आप लोग क्या जानते हो, आप लोग जानते हो इक्वेशन ऑफ अ सर्कल इज क्या है, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, ठीक है। अब
जिसका मैंने सेंटर आप लोगों को क्या बताया था, सेंटर बताया था ए कॉमा बी, ठीक है। तो ए कॉमा बी तो यहाँ पे सेंटर आपको दे रखा है 0.2, तो जब कंपेयर करोगे तो कंपेयर करके क्या निकल जाएगा, ए निकल जाएगा 0 और बी निकल जाएगा 2, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद रेडियस क्या दे रखा है, तो रेडियस डायरेक्टली दे रखा है 2, बस पुट कर दो। तो पुट करेंगे एक्स माइनस ए क्या 0, 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b कितना है 2, 2 पुट कर दो यहाँ, होल स्क्वायर इक्वल्स टू r कितना है 2, 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हुआ x माइनस 0, तो x ही बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर कितना हो जाता है 4, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर में तोड़ दो उसको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, माइनस 2ab, ठीक है 4। मैं डायरेक्टली भी कर सकता था बट आप लोग के लिए नहीं करा मैंने, वाई स्क्वायर ठीक है प्लस 4 ये 4, ठीक है। उसके बाद ये 2 2 जा 4, ठीक है, माइनस 4y इक्वल टू 4। अब क्या होगा जरा ध्यान से देखना, ये 4 से ये 4 मैं कैंसिल आउट कर सकता हूँ एंड वी विल गेट द फाइनल आंसर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y इक्वल टू 0, ठीक है। अगर किसी बच्चों को ये भी नहीं समझ में आया कि सर ने 4 4 क्यों काट दिया, तो 4 को तुम इधर लेके आ सकते हो, तो प्लस 4 और माइनस 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ सेंटर, ये क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। सेंटर दे रखा है माइनस ए कोमा माइनस बी, ठीक है, और रेडियस दे रखा है रूट में है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। कोई टफ नहीं है, सिर्फ आपको रूट में दिख रहा है तो आपको डर लग रहा होगा कि सर कैसे सॉल्व करेंगे इसको। इक्वेशन ऑफ सर्कल आपको पता है, इक्वेशन ऑफ सर्कल पहले लिख डालिए, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, ठीक है। अब आपको पता है कि सेंटर क्या होना है, यहाँ पे सेंटर ए कोमा बी, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, माइनस ए कोमा माइनस बी, ठीक है, और रेडियस जो है वो आपको दे रखा है यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। कुछ नहीं करना है, ये दोनों को इस पे पुट कर दीजिए, इक्वेशन वन पे पुट करना है, तो जरा ध्यान से देखिएगा कैसे पुट कर रहा हूँ, ठीक है। एक्स माइनस ए जो है ना, अब ये ए नहीं है, ये क्या दे रखा है, माइनस ए, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस ए, ठीक है, होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस, इस बार बी क्या है, बी नहीं है माइनस बी है, तो माइनस बी लिखेंगे, ठीक है, होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर क्या दे रखा है, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसका होल स्क्वायर, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये माइनस बाहर आके क्या हो जाएगा, प्लस, तो हो जाएगा एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये स्क्वायर इस रूट को कैंसिल आउट कर देगा, तो बचेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब ये क्यों कैंसिल आउट कर रहा है, ये भी अगर नहीं पता है चलिए वो भी बता देता हूँ। जैसे मान लो रूट एक्स है और इसका स्क्वायर है, ठीक है, तो ये रूट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स है, इस रूट को लिख सकते हैं 1/2, ठीक, और ये स्क्वायर तो पहले से है, इस रूट को लिखा है मैंने 1/2, क्यों लिखा है, क्योंकि अंडरस्टूड होता है कि यहाँ कुछ नहीं है तो 2 है, आया समझ में, तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया इसलिए एक्स बच गया, इसलिए मैंने डायरेक्टली बता दिया, क्योंकि तुम लोग अब बड़े क्लासेस में आ गए हो तो जहां पे भी रूट होगा और स्क्वायर होगा तो स्क्वायर रूट को कैंसिल आउट कर देता है, ठीक है, या गया। चलिए फर्दर सॉल्व करते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस फिर इसका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए क्या कैंसिल आउट हो सकता है, ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो सकता है क्योंकि ये दोनों सेम है, ठीक है, बाकी आंसर आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख लीजिए पहले स्क्वायर वाला,
टू ए एक्स लिख लीजिए, फिर टू वाई बी लिख लीजिए। हाँ लिख लिया हम लोग। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। और बी स्क्वायर जब इधर आ जाएगा तो एक बी स्क्वायर, ये माइनस वाला इधर आ जाएगा तो टू बी स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इस बार क्या है, सेंटर फाइंड आउट करना है। ठीक है, पहले सेंटर और रेडियस गिवन दिया दे रखा था, इस बार सेंटर एंड रेडियस फाइंड आउट करना है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ सर्कल दे रखा है इस बार, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या दे रखा है, एक्स प्लस फाइव का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस थ्री का होल स्क्वायर इक्वल टू 36। बड़ा इजी क्वेश्चन है। इक्वेशन ऑफ सर्कल पहले लिख लो, इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इसको इससे कंपेयर कर रहा हूं तो ये वाला पार्ट तो ओके है सर, ये वाला पार्ट भी ओके है, बट सर ये प्लस में है और ये माइनस में, तो इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिख सकता हूं मैं, एक्स ठीक है ये प्लस में है ना, तो माइनस माइनस फाइव कर ही सकता हूं मैं, क्योंकि भैया ये बाहर आएगा तो फिर से प्लस बना देगा, तो मैंने कोई चेंजेस नहीं करा, बस उसको थोड़ा सा अच्छे से लिख दिया क्योंकि इस पैटर्न पे आ जाए। ठीक है, तो कोई चेंजेस करा नहीं मैंने, बाकी सब ठीक है, बाकी ओके है सब। ठीक है, तो जब इसको इससे कंपेयर कीजिएगा तो ए क्या मिला आपको, ए मिला सर माइनस फाइव, बी क्या मिला आपको, बी देखिए क्या है थ्री। ठीक है, आर क्या मिला आपको सिक्स, तो सेंटर तो पता ही, सेंटर क्या होता है ए कोमा बी, तो क्या आ गया माइनस फाइव थ्री। ठीक है, और रेडियस क्या है सिक्स आ गया आंसर। ठीक है, चलो एक फाइनल क्वेश्चन एक और कर लेते हैं, और ये तो पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट में ये पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा, मतलब ये पूरा सर्कल जो कॉनिक सेक्शन का वो मैं कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, मतलब कि सेकंड वीडियो में पहले फिर से वही जैसे आज मैंने कराया, पहले कॉन्सेप्ट कराया पूरा, तो जो बचा हुआ कॉन्सेप्ट है पहले उस वीडियो लेक्चर के स्टार्टिंग में होगा, फिर क्वेश्चंस होंगे, तो उससे आप लोगों का कॉन्सेप्ट जो क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन इस बार कैसा दे रखा है आपको, फिर से सेंटर फाइंड आउट करने के लिए दे रखा है, फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है और रेडियस फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, बट इस बार जो इक्वेशन ऑफ सर्कल दे रखा है वो जनरल फॉर्म में दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस 10 वाई माइनस 12 इक्वल टू जीरो, तो इस फॉर्मेट में दे रखा है जनरल इक्वेशन। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल लिख लो आप लोग, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो जनरल ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या बताया था आपको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको इससे कंपेयर करना है, तो देखो इसको इससे कंपेयर करना है ना, तो रफ में बता दो ये चीज है ना, तुम लोग रफ में करना। ठीक है, एग्जामिनेशन के रफ में करना, तो जिसको देखो एक्स स्क्वायर ओके है ओके, वाई स्क्वायर ओके ओके। ठीक है, अब इसको इसके बराबर हम लोग लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे 2gx इक्वल टू माइनस 8x। ठीक है ना, ये रफ में करना है, ट्रिक बता रहा हूँ। ठीक है, 2 4 जा 8, तो देयर फोर जी कितना आ गया मेरे पास -4। ठीक, फिर हम इसको करेंगे इसके साथ कंपेयर, तो मेरे पास है 2fy इक्वल टू 10y, तो y y कैंसिल आउट हो गया, 2 5 जा 10, तो देयर फोर एफ मुझे मिल गया 5। ठीक है, सी को कंपेयर कर लो, तो सी मुझे मिल गया -12। ठीक है, तो जी एफ और सी अगर मिल गया तो देखो कितना आसान हो गया, क्योंकि हमको पता है जनरल ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल अगर मैं लिखता हूं तो उसका रेडियस हम लोगों ने क्या पढ़ा था, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, तो जी तो भैया हमको पता है -4 का होल स्क्वायर प्लस एफ पता है हमको 5 का होल स्क्वायर माइनस सी पता है हमको, माइनस तो है लेकिन सी मेरा -12 है, तो -12 ऐसे लिखेंगे, तो -4 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 प्लस 5 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, 5 का स्क्वायर 25,
और ये माइनस जो इसको प्लस कर देगा प्लस 12। अब जब तुम इसको ऐड करोगे तो आंसर आएगा 53। ठीक है, ये रेडियस हो गया। अब सर सेंटर भी तो बोल रखा था, तो भैया सेंटर क्या बोला था आप लोग, सेंटर क्या होता है, माइनस जी कोमा माइनस एफ। ठीक है, तो जी कितना दे रखा है, जी देखो माइनस फोर, देखो माइनस तो ऑलरेडी देखो मैंने पहले ही दे दिया, ठीक है, लेकिन जी हम देखेंगे, जी मेरा माइनस फोर है, ठीक है, माइनस ऑलरेडी है, एफ मेरा कितना है, फाइव है। ठीक है, तो ये माइनस उसको प्लस कर देगा, तो मेरा सेंटर जो आ गया फोर कॉमा माइनस फाइव। ठीक है, एकदम इजी वे में बताया आपको, ठीक है ना। चलिए, आई होप हर एक चीज आप लोगों को समझ में आया होगा, और हमें मैंने पूरा ट्राई करा अपने एंड से कि आप लोगों का कॉन्सेप्ट जो क्रिस्टल क्लियर हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो आएगा, अगर फिर भी अभी इस वीडियो में कुछ भी आपको लगता है कि सर ये चीज समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं लाइव आकर के उसको भी आपको क्लियर कर दूंगा, वो चीजें भी क्लियर कर दूंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास न्यू कॉन्सेप्ट न्यू वीडियो के साथ, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।